हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मनाजीस मेन्यू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कबाब की रेसिपी। जी हाँ, तो तुर्किश कबाब की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने भी पहली बार बनाई है और बहुत बेहतरीन कबाब जो है बने हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन। इसके बारीक पीसेस इस तरह से मैंने काट लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके छाननी में हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें ताकि इसका जो भी पानी हो वो निकल जाए। और मसालों में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है हल्दी इसमें डाल लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया, हैंडफुल हरा धनिया इसमें डाल लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए लहसुन की कलियां, 15 से 16 इसमें डाल लेंगे लहसुन की कलियां। और उसके बाद इसमें डालेंगे कैप्सिकम मीडियम साइज़ का। इसको भी इस तरह से रफली मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं इसके, ये भी इसमें डाल लेंगे। और साथ ही डाल लेंगे 2 मीडियम साइज़ के ऑनियंस। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से इनका कीमा बना लें आप मिक्सर में। तो ये है तैयार कीमा। अब इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून घी और इसको अच्छे से मिक्स करके 10 टू 15 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। तो ये गया हमारा कीमा फ्रिज में। तो उसके बाद अब इसके बना लेंगे कबाब्स। तो हमने इसको थोड़ा ज़्यादा रख दिया था फ्रिज में, तो जो ऑनियंस है इसकी, जो प्याज है इसके अंदर, वो पानी रिलीज़ कर चुकी है थोड़ा सा, तो आप वो ख्याल में रखें। और इस तरह से हमने इस कबाब्स को खीमे को स्क्यूअर्स में लगाया है। इस तरह से तैयार हमारे कबाब। अब चलते हैं चारकोल की तरफ। तो इसको हमने चारकोल पे किया था, तो ये चारकोल को हम लोग पंखा दे रहे हैं, जो बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो हमने हेयर ड्रायर की मदद से फिर जो ये चारकोल में जो है फायर तेज़ की। तो ध्यान से करिए इस चीज़ को, बच्चे ना हो और बिल्कुल भी खुले आप टेरेस पे इसको करेंगे तो ये सेफ़ है। तो इस तरह से हमने चारकोल बनाया और उसके ऊपर जो है हमारे कबाब्स को बारबेक्यू किया, तो बहुत मज़ेदार ये कबाब बने। 10 से 15 मिनट में आपके ये कबाब बन जाएंगे। साथ ही हमने थोड़ा सा चिकन और बोटी कबाब भी बनाया था उस दिन। तो सबसे बेहतरीन जो है ये तुर्किश कबाब बने थे। और अब बारी है सर्व करने की। तो रुमाली रोटी पे थोड़ी सी वेजिटेबल्स और हरी चटनी दही के साथ और ये कबाब। तो आपको मैं दिखा दूँ कि बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, खुदा हाफिज़।